Hey guys, welcome back to She's World. तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और आसान नाश्ता जो खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेंगे और इसकी आवाज़ से ही आपको पता लग जाएगा ये कितने क्रिस्पी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए बस हमें एक ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है सूजी। एक कटोरी सूजी लेंगे, उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, लगभग एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और आधी छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें इसका डो तैयार करना है। तो इसके लिए यहाँ पे गुनगुना पानी लेंगे और बस जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे कूद के तैयार करना है। इसे लगभग आधे घंटे के लिए हमें ढक के रख देना है। आधे घंटे बाद हमें लोई बनानी है। थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे हमें बेलना है। इस आटे को हमें पतला ही बेलना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसके साइड्स हम निकाल देंगे और इसको स्क्वायर का शेप दे देंगे और इस स्क्वायर के शेप में भी हमें छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं, ये देखिए इस तरीके से। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे ट्रायंगल का शेप दिया है, इसीलिए ये स्क्वायर्स कट करके इसे भी हम बीच से काट देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और ये ट्रायंगल का शेप बन जाएगा। ये देखिए देखने से ही कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और इन्हें हमें पतला ही रखना है। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, हमें इतना पतला चाहिए। अब इन सबको हमें डीप फ्राई कर लेना है, इसे क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। और ये देखिए कितना आसानी से और कितना क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हो गया है। इसके ऊपर से हम आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच मैगी मसाला पाउडर डाल देंगे और ये देखिए हमारा क्रिस्पी सुपर टेस्टी नाश्ता बन के तैयार। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के एक महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और एक ही सामान से तैयार होने वाला नाश्ता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।